फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू और आज आपका गूगल किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मोस्ट ट्रेंडिंग केक, पिनाटा केक, हैमर केक जिसे कहते हैं, और बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है ये केक और देखने में काफ़ी खूबसूरत है और ये सबको अपनी तरफ बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है। और ये हैमर केक देखिए मैंने बनाया है बहुत ही सिंपल तरीके से, तो आप भी ये ज़रूर बनाइए। और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग देखने के लिए। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने पिनाटा केक को तोड़ा और मेरे बच्चों ने फटाफट से इसे खाना शुरू कर दिया और इसका चॉकलेट जो है ना वो बहुत ही यम्मी लगता है। वाइट चॉकलेट तो होता ही यम्मी है और अंदर आप इस पर कुछ भी फिल कर सकते हैं, आप केक रख सकते हैं और इसकी जगह आप कुछ भी ढेर सारे चॉकलेट्स या कोई भी ऐसा आइटम जो आप किसी को प्रेजेंट करना चाहते हैं या किसी को आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो कोई भी गिफ्ट आप इसमें अंदर फिल कर सकते हैं केक के साथ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये देखिए, मोल्ड आप जब भी खरीदिए तो पीछे ऐसा जो दिख रहा है ना वो होना चाहिए ताकि वो होल्ड कर सके शेप को। अभी कुछ ऐसे मोल्ड भी आ रहे हैं जो पीछे जो आप देख रहे हैं ना 6 ऐसी स्टिक जैसी लगी हुई थी वो नहीं रहेगी, पर ऐसा वाला बिल्कुल मत लीजिए जिसमें स्टिक लगी हो, वही लीजिए। तो मैंने वाइट चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लिया है डबल बॉयलर पर और इसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। आप चाहे तो इसमें कोई भी फूड जेल कलर यूज़ कर सकते हैं, कैंडी जेल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसमें कोई भी कलर या एसेंस यूज़ नहीं किया है, नॉर्मल वाइट चॉकलेट ही रखा है। तो मैंने इसमें डालकर और अच्छे से इसे फैला दिया और इसे 2 से 3 कोट हमें करना है। तो मैं इसे एक लेयर बहुत अच्छे से कोट कर दूंगी और इसे मैं रख दूंगी 5 मिनट के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए। और उसके बाद फिर मैं वापस, देखिए सेट हो गई है और मैं वापस से वाइट चॉकलेट डालकर और फिर से इसे कर लेती हूँ एक कोट और, ताकि बिल्कुल अच्छे से एक थिक लेयर बनकर तैयार हो जाए, ताकि जब हम ये पिनाटा केक जब हम मोल्ड से बाहर निकालें तो ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाए, ब्रेक ना हो, क्योंकि बहुत पतली लेयर रहेगी तो टूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको अच्छी एक लेयर, मोटी एक थिक लेयर बनाकर तैयार करनी है। तो 2 से 3 कोट, अगर बहुत पतली लग रही हो तो आप 4 कोट, 3 कोट इनफ है, तो आप इतना ज़रूर कर लीजिए। इसे फ्रिज में बाहर बार जब भी कोट कीजिए 5 मिनट के लिए ज़रूर सेट कीजिए। और जब भी आपको इसे निकालना हो तो बाहर निकालने के बाद, फ्रीजर के बाहर निकालने के बाद कम से कम 5 मिनट ऐसे छोड़ दीजिए और फिर चारों तरफ से हल्का हल्का लूज़ करके और बीच में ऐसे सेंटर में हाथों को रख के और फिर निकालिए। पहले मैंने प्लेट में रखी थी, बहुत फिसल रही थी, इसलिए मैंने ऐसे कार्डबोर्ड पर रख दिया निकालने के लिए। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से बहुत ही सावधानी से आपको इसे निकालना है और मैंने ये पहले से ही केक रेडी करके रखा हुआ है। आप अंदर कोई भी केक रेडी करके रखिए और उसके ऊपर ऐसे आप फिल कर दीजिए, सेट कर दीजिए केक के साथ। और मैंने जो वाइट चॉकलेट में थोड़ा सा बचा हुआ था उसमें मैंने हल्का सा पिंक कलर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देती हूँ मैं, ताकि देखने में थोड़ा केक और भी खूबसूरत दिखे, ये हमारा पिनाटा केक और भी प्यारा लगे। तो ये देखिए, मैंने इसके ऊपर हार्ट शेप के कुछ स्प्रिंकल हैं मेरे पास, मैं वो लगा देती हूँ। और आपके पास जो भी स्प्रिंकल हैं आप वो लगा दीजिए, ऐसे भी रहेगी केक तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा लुक अट्रैक्टिव होना ही चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी और केक से रिलेटेड तो बहुत ही अच्छी अच्छी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, और मेरी कोई रेसिपी बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर चैट कर सकते हैं, तो आप फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और ये देखिए, साइड में थोड़ा सा खाली खाली दिख रहा था तो मैंने विप क्रीम लिया है और उसमें मैंने पिंक कलर ऐड किया है और मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी इमर्शल ऐड किया है, क्योंकि उसमें कलर एसेंस फ्लेवर सब कुछ है। और हल्का हल्का ड्रॉप चारों तरफ से मैंने बना दिया है ताकि देखने में बहुत ही प्यारा लगे। ये देखिए, मैंने पिनाटा केक रेडी कर लिया है। अब मैं इसे हथौड़े से मार मार कर पूरे केक को ब्रेक करने वाली हूँ, तोड़ने वाली हूँ। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है और ये हथौड़े की वजह से भी बहुत लोग इसे इंटरेस्ट ले रहे हैं इस केक में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आप लोगों के लिए भी ये केक लेकर आऊँ पे। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हर गुरुवार को मेरा ब्लॉग आता है तो ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर कोई सुझाव हो तो भी मुझे ज़रूर बताइए कि अगर मेरी कोई वीडियो अगर पसंद नहीं आती तो आपको क्या अच्छी नहीं लगती, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और इजी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए गोकुल किचन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू सो मच।